साल 1983, समुद्र के बीचों बीच नाव से कुछ ड्राइवर्स ने अरेबियन सी में छलांग लगाई। वो समुद्र की गहराइयों में कुछ ढूंढने जा रहे थे। गहरे समुद्र में सतह से कई मील नीचे उन ड्राइवर्स को कुछ ऐसा मिला जो पूरी दुनिया को चौंकाने वाला था। एक विशाल नगरी, देखने में ऐसा लग रहा था मानो आज के समय की कोई अर्बन सिटी समुद्र के नीचे बसी हो। ऊंची ऊंची दीवारें, सड़कें, मूर्तियां, महल और एक पूरा वेल प्लान्ड शहर। समुद्र के अंदर एक ऐसी नगरी देखकर वो सारे ड्राइवर्स हैरान हो गए। पत्थरों के सैंपल्स लेकर उसकी जांच करने पे पता चला ये पत्थर महाभारत काल के हैं और ये वो नगरी है जिसके बारे में महाभारत में भी बताया गया है। ये कहानी है श्री कृष्ण की नगरी द्वारका। नहीं वो समय कभी होगा जब मैं नहीं होगा, या तुम नहीं होगे, या ये सारे लोग भी नहीं होंगे। हिंदू धर्म में चार धाम है, बद्रीनाथ धाम, द्वारकाधीश धाम, रामेश्वरम और जगन्नाथपुरी। ये कहानी है द्वारका की। भगवत पुराण के 10वें सत के अनुसार कंस का वध करने के बाद श्री कृष्ण मथुरा में रहने लगे। कंस की मौत से क्रोधित होकर उसके ससुर जरासंध ने मथुरा पर हमला बोल दिया। मन करूंगा जब तक वो मर नहीं जाता। एक के बाद एक जरासंध ने मथुरा पर 17 बार हमला किया और 18वां युद्ध चल रहा था तभी लगातार हमलों से परेशान होकर श्री कृष्ण ने मथुरा छोड़ कहीं और जाना ही सही समझा और युद्ध को बीच में छोड़ वो द्वारका पहुंचते हैं। पुराणों के अनुसार श्री कृष्ण समुद्र के तट पे पहुंचकर भगवान विश्वकर्मा का आह्वान करते हैं। भगवान विश्वकर्मा बताते हैं कि ऐसी नगरी स्थापित करने हेतु हमें समुद्र देव से कुछ भूमि दान में प्राप्त करनी होगी। ये सुनकर भगवान समुद्र देव की आराधना कर उन्हें प्रसन्न करते हैं और दान में समुद्र के बीच 12 योजन धरती प्रदान करते हैं। इसी धरती पर भगवान विश्वकर्मा ने सपनों से भी सुंदर द्वारका नगरी की स्थापना की। द्वारका 7 तीर्थ स्थानों में से एक है जिसमें बाकी 6 हैं मथुरा, काशी, कांचीपुरम, उज्जैन, हरिद्वार और अयोध्या। द्वारका में सभी घर लाइन से अरेंज थे, साथ में आकाश को छू जाने वाले ऊंचे ऊंचे भवन भी स्थापित थे और इन सब के बीच था एक टेम्पल एरिया जिसमें श्री कृष्ण वास करते थे। कुछ समय बाद पांडवों और कौरवों के बीच महाभारत का युद्ध शुरू हुआ जिसमें श्री कृष्ण ने अर्जुन के सारथी के रूप में अहम भूमिका निभाई। 18 दिन चले इस युद्ध में पांडवों की जीत हुई। महाभारत के स्त्री पर्व के अनुसार जब माता गांधारी ने अपने पुत्रों के मृत शरीर को देखा तो उन्होंने श्री कृष्ण को युद्ध के लिए दोषी ठहराया और क्रोध में आकर श्री कृष्ण को श्राप दिया। जिस प्रकार उनके पुत्रों और वंश का आपस में युद्ध करके विनाश हुआ है उसी प्रकार ठीक 36 साल बाद श्री कृष्ण के वंश का भी विनाश होगा। लेकिन माता गांधारी के श्राप के साथ एक और श्राप था जो यादव वंश के विनाश का कारण बना। एक बार द्वारका के निकट बसे एक पवित्र स्थल पिंडारक में कई बड़े साधु संत पधारे। उन्हें देख श्री कृष्ण के पुत्र सांब और उनके दोस्तों ने ऋषि मुनियों के साथ शरारत करने की योजना बनाई। सांब एक गर्भवती स्त्री का भेष धरकर ऋषि मुनियों के सामने पहुंचा और उनसे अपने होने वाले बच्चे के बारे में पूछा। ऋषि मुनि अपना मजाक उड़ता देख क्रोधित हो गए और उन्होंने उन लड़कों को श्राप दे दिया कि सांब एक लोहे के मूसल को जन्म देगा जो यादव वंश के विनाश का कारण बनेगा। जब उन लड़कों ने देखा तो सांब के कपड़ों के अंदर सच में एक लोहे का मूसल मिला। श्री कृष्ण के नाना जी राजा उग्रसेन को जब इस बात का पता चला तो उन्होंने उस मूसल के टुकड़े टुकड़े कर दिए और उसे समुद्र में फेंक दिया। ये टुकड़े एक मछली ने निकल लिए। ये मछली मछुआरों के जाल में जा फंसी और जब उसको चीरा गया तो उसके पेट से वही लोहे के टुकड़े निकले। एक शिकारी ने उसी लोहे के टुकड़े को जहरीले तीर बनाने में इस्तेमाल कर लिए। लेकिन एक लोहे का टुकड़ा पूरे यादव वंश का विनाश कैसे बनने वाला था? 36 साल बीत चुके थे और माता गांधारी के श्राप के साकार होने का समय आ गया था। यदुवंशी नशे और मदिरे की लत में धुत हो चुके थे। धीरे धीरे उन्होंने एक दूसरे से भी लड़ना शुरू कर दिया। ये लड़ाई इतनी बढ़ गई कि यादव वंश में अंदर ही अंदर लड़ाई होने लगी। श्री कृष्ण के पुत्रों ने भी आपस में युद्ध करना शुरू कर दिया। एक एक कर पूरे वंश का विनाश हो गया और तो और बलराम जी ने भी धरती का त्याग कर दिया।
ये सब देख श्री कृष्ण मेडिटेशन के लिए जंगल की ओर प्रस्थान करते हैं और अर्जुन को कहकर जाते हैं कि वो द्वारका से बच्चों और औरतों को इंद्रप्रस्थ ले जाए। बताया जाता है कि वन में जाने के बाद श्री कृष्ण पास के एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गए। उसी समय जारा नाम के एक शिकारी ने उन्हें हिरन समझकर उन पे तीर चला दिया। ये वही शिकारी था जिसने मछली के पेट से निकले टुकड़ों से तीर बनाया था। वो जहरीला तीर श्री कृष्ण के पैर में जाकर लग गया और इसी प्रकार श्री कृष्ण भी इस लोक को छोड़ अपने धाम लौट। जब अर्जुन को इस बात का पता चला तो वो दौड़े दौड़े द्वारका पहुंचे, जहाँ का दृश्य देख उनका दिल दर्द से कांप उठा। पूरी द्वारका अग्नि की चिता में जल रही थी, लेकिन अर्जुन ने होश संभाला और श्री कृष्ण से किए वादे के अनुसार सभी औरतों और बच्चों को वहाँ से सेफली बाहर निकाला। देखते ही देखते कुछ ही पलों में पूरी द्वारका समुद्र के आंचल में समा गई और श्री कृष्ण की बसाई नगरी द्वारका जलमग्न हो गई। आज के समय में द्वारका को दो हिस्सों में बांटा गया है, द्वारका और बेट द्वारका। द्वारका समुद्र के किनारे बसा एक शहर है और बेट द्वारका समुद्र के बीच बसा एक द्वीप। काफी ढूंढने के बाद भी ऐसा कोई सबूत नहीं था जो हमारी पौराणिक कथाओं में बसी इस खूबसूरत नगरी के असली होने का प्रमाण दे सकता। 1930 में खोज शुरू हुई और बेट द्वारका के कई रिमेन्स मिले। 1963 में यहाँ पहला आर्कियोलॉजिकल एक्सक्लेवेशन किया गया जिसमें कई सारे पुराने मूर्तियाँ और आर्टिफैक्ट्स मिले। इन फाइंडिंग से एक इंटरेस्टिंग थ्योरी निकल कर आई जिसके मुताबिक श्री कृष्ण द्वारका से अपने पूरे राज का एडमिनिस्ट्रेशन देखते थे और बेट द्वारका में वो अपने पूरे परिवार के साथ रहते थे। इसके बाद साल 1983 से 1990 के बीच एक अंडर वाटर आर्कियोलॉजिस्ट डॉक्टर SR राव और उनकी टीम इस मिशन को पूरा करने के लिए आगे आई। पानी के अंदर बहुत दिनों तक ढूंढने के बाद उन्हें पानी के नीचे एक बहुत ही अद्भुत नगरी के अवशेष मिले। उस नगर के दीवारों के मजबूत नींव के साथ पत्थर, खंबे, मूर्तियां, इरिगेशन सिस्टम और भी बहुत कुछ। लेकिन इस बात का अंदाजा कैसे लगाया जा सकता था कि जो पानी के अंदर रिमेन्स मिले वो श्री कृष्ण की नगरी द्वारका के थे। इस बात की पुष्टि करने के लिए आर्कियोलॉजिस्ट ने उन पत्थरों की कार्बन डेटिंग निकालने का फैसला किया। कार्बन डेटिंग एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू पत्थरों की पॉसिबल एज निकाली जाती है। डॉक्टर नरहरि अचर ने महाभारत में मेंशन ग्रहों की स्थिति और एस्टेरॉइड्स की जानकारी से ये कैलकुलेट किया कि महाभारत का युद्ध 3126 BCE में हुआ था। महाभारत के हिसाब से द्वारका का निर्माण भी द्वापर युग में ही हुआ था और इन पत्थरों की कार्बन डेटिंग निकालने के बाद पता चला कि ये उस समय से काफी क्लोजली रिलेटेड है। लेकिन पत्थर तो किसी भी समय के हो सकते हैं, फिर इस बात का स्ट्रॉन्ग एविडेंस कैसे कंसीडर किया जा सकता था? और इसीलिए आर्कियोलॉजिस्ट ने समुद्र के अंदर मिली इस नगरी का एरिया नापना शुरू किया और सरप्राइजिंगली एरिया का मेजरमेंट था पूरे 12 योजन, जो कि भगवत पुराण के हिसाब से उस धरती का माप था जो श्री कृष्ण को द्वारका के निर्माण के लिए समुद्र देव ने प्रदान किए थे। सिर्फ यही नहीं, इस जगह पे बड़ी संख्या में लंगर भी पाए गए, जिससे ये पता चलता है कि द्वारका एक ऐतिहासिक पोर्ट था जहाँ से भारत दूसरे देशों से सालों तक व्यापारिक संबंध एस्टेब्लिश करता रहा। फंड्स की कमी के कारण ये एक्सक्लेवेशन यहीं रुक गया, लेकिन 2007 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इसे फिर से शुरू किया और आज भी ये एक्सक्लेवेशन जारी है। आज कई लोग महाभारत और रामायण, भगवान विष्णु के जन्मे अवतार और बाकी पौराणिक कथाओं को एज अ मिथ कंसिडर करते हैं, लेकिन सिर्फ द्वारका ही नहीं बल्कि ऐसी और भी बहुत डिस्कवरीज हैं जो ये प्रूफ करती है कि इस धरती पर इंसानों का एग्जिस्टेंस सिर्फ हरप्पा और मोहनजोदड़ो के समय का ही नहीं बल्कि उससे भी हजारों साल पहले का है। आई होप आपने वीडियो पूरा देखा होगा। मिलता हूँ आपसे किसी नए वीडियो पे, तब तक के लिए आप मेरी दूसरी वीडियोस देख सकते हैं और ये वीडियो अच्छी लगी हो शेयर जरूर करना।